नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस नई वैकेंसी के पूरे सिलेबस, कैसे सिलेबस है उसका, क्या क्या एज है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बुक है, चार बुक हैं उस पर आधारित है। पहला है हिंदी सामान्य ज्ञान, मैथ रीजनिंग। हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन दो नंबर के होते हैं। उसके बाद मैथ 38 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 38 क्वेश्चन होते हैं और सामान्य ज्ञान के 37 क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा आती है क्वेश्चन, मैथ 38 क्वेश्चन मैथ के होते हैं जिसमें से मैथ के मात्र 19 क्वेश्चन होते हैं। उसमें 19 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ वाले सेक्शन में रीजनिंग के ही होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं रीजनिंग का जो पार्ट होता है सबसे बड़ा होता है, लगभग 54 क्वेश्चन के आसपास। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको तैयारी किस चीज़ के लिए, रीजनिंग की तैयारी आपको अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए रीजनिंग हिंदी आपका बेस्ट है तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस निकलने का बहुत चांस रहता है। सबसे पहले देखेंगे हिंदी की जो बुक है आदित्य प्रकाशन की है, सबसे बेस्ट बुक है आदित्य प्रकाशन की। आपका जो इसका समझाने का तरीका बहुत गजब का है, मैंने इस बुक को काफ़ी अच्छी तरह देखा है, देख लीजिए तरीका जो बुक इसका गजब का है, समझाने का हो लिखने का हो। उसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चन इसमें डाला गया है। यह बुक बहुत ही बेस्ट है, अगर इसको आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो आप 37 क्वेश्चनों में से 32, 33, 34 तक पहुंचने का दावा रखते हैं। हम इस क्वेश्चन गजब के बनाए हैं, बेस्ट बुक है। तरीका इसका है समझाने का, वो गजब का है। इसी के साथ एक आता है इसी का, हिंदी का लुसेंट का, तो लुसेंट से काफ़ी बेहतर हमको लगा, ठीक है। लुसेंट में थोड़ा हल्का क्वेश्चन दिया है लेकिन सही है, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन जो तरीका है समझाने का वो बहुत बेस्ट है। तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है आदित्य प्रकाशन की, बढ़िया बुक है, इसको आप ले सकते हैं। आपके सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बुक है रीजनिंग। रीजनिंग की बुक के लिए सबसे अच्छी बुक है केपीएससी की, जो बुक है काफ़ी बेस्ट बुक है। इस बुक की खासियत यह है कि जो क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे लेवल तक हैं और हर तरीके के क्वेश्चन इसमें हैं, सिंपल भी हैं, कठिन भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। इस बुक की खासियत क्या है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, आप इन्हें लगाने से प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग आपकी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। काफ़ी समय भी नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक वैकेंसी आने के पूरे चांस हैं। और जो ये सब क्वेश्चन हैं ये ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में कम से कम 10-15 पूछे जाते हैं, जो चित्र वाइज क्वेश्चन होते हैं 55 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन चित्र वाइज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इस बुक से प्रैक्टिस करिए, आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है रीजनिंग के लिए, बेस्ट बुक है केपीएससी। इसका जो प्राइस है 150 रुपया लिखा है, इस पर जितना मिल जाए पता नहीं हमें, 150 का इस पर प्राइस लिखा हुआ है बुक पे। रीजनिंग बुक की जो प्राइस थी इसको हम बता नहीं पाए आपको, 225 रुपये इस पर लिखा हुआ है। दो बुक हो गई आपकी। तीसरी बुक है उत्तर प्रदेश पुलिस जीके, यूपी का जीके, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आ चुका है वही क्वेश्चन हमेशा दोहराता है। तो केसरी नंद त्रिपाठी की बुक है, 50 या 60 रुपये की आती है ये बुक, देखने में पतली भी है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, आप बढ़िया से इसको पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको भी इसमें दिया है तो आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जैसे जो क्वेश्चन आ चुके हैं
देखा है गत वर्षों में हर प्रश्न, तो इन्हीं क्वेश्चन केवल पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस से आते हैं, यूपी जीके से, तो आप इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी। किसका है? केफरीनंद त्रिपाठी की बुक है, 60 रुपये की आती है। 3 बुक हो गई। चौथी बुक है सबसे महत्वपूर्ण, सभी का निचोड़ है, घटना चक्र। घटना चक्र आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि उसमें से घटना चक्र के 50% क्वेश्चन जो हैं वही लड़ेंगे, सेम टू सेम, केवल अंक चेंज रहता है। मैथ का क्वेश्चन सेम टू सेम आता है, केवल अंक चेंज रहते हैं। रीजनिंग का सेम पैटर्न होता है। यूपी जीके का सभी क्वेश्चन जो पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे टू पूरे लड़ेंगे। और जीके का जो है आप घटना चक्र एक बार पढ़ेंगे तो आप उसके आसपास, जैसे राजधानी पूछता है, एक क्वेश्चन आपका पक्का रहता है। मुद्रा पूछता है, 2 क्वेश्चन पक्का रहता है। मतलब कि एशिया के सभी देशों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, आसपास देश के बारे में विविध क्वेश्चन पूछता है। स्टैटिक जीके आपको अच्छा होना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो यही सब है। साइंस 1-2 क्वेश्चन आता है। और जीके के लिए बात करते हैं, जीके के लिए आप जानते हैं लुसेंट, सबका साथ सबका विकास। तो लुसेंट किसी बुक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लुसेंट सभी एग्जाम के लिए ऑलराउंडर बुक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एज है, एज में जो थी पहले 49,000 वाले में 23 वर्ष थी, लेकिन इस साल देखे हैं पेपर में बार बार आ रहा है कि एज में छूट दी जाएगी। इसका मतलब 23 से बढ़ाकर 24 वीक की जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्लियर नहीं है। और यही है, दौड़ पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर और लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर है। पुरुषों को 25 मिनट, लड़कियों को 14 मिनट, यही है, और काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं। आपको इतना ही करना है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो प्रदेश पुलिस में हमारे साथ आ जाएंगे हम लोग। और वीडियो भाई अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तैयारी की जो प्रक्रिया है वो मेरे साथ आप बने रहिएगा, चैनल पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जय हिंद।